Hey guys, welcome back to my channel. तो हम यहाँ पर लता मंगेशकर जी का एक ड्राइंग बना रहे थे. अगर नहीं देखा है किस तरह से आउटलाइन बनाते हैं तो आप मेरे चैनल पे जाके देख लेना. उसके बाद जो ये वाला वीडियो है, यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से हम रियलिस्टिक शेडिंग कर सकते हैं. तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं. तो इसको हम शेडिंग करने के लिए सबसे पहले ग्रेफाइट पेंसिल का इस्तेमाल करेंगे. ये रहा एक टोम्बो मोनो का ग्रेफाइट पेंसिल. आप कोई भी नॉर्मल जो ग्रेफाइट पेंसिल मिलता है, आर्टलाइन, कैमलिन, अप्सरा, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं. उसके बाद हम यहाँ पर थोड़ा सा चारकोल का भी इस्तेमाल करेंगे. ये है सॉफ्ट चारकोल पेंसिल. इससे क्या होगा, जो मतलब डार्क पोर्शन है जैसे कि हेयर हो या फिर आईब्रोस, आईबॉल, वहाँ पर हम इसका इस्तेमाल करेंगे, तो ये काफ़ी अच्छा है. उसके बाद ये रहा एक पेंसिल इरेजर जो कि हम अच्छे से डिटेलिंग करेंगे. उसके बाद ब्लेंडिंग के लिए यहाँ पर ब्लेंडिंग स्टम्प का इस्तेमाल करूँगा. उसके साथ ही जो मेकअप ब्रश होता है, मेकअप ब्रश भी काफ़ी अच्छा और बहुत ही सॉफ्ट हम ब्लेंडिंग कर सकते हैं, तो इसका भी इस्तेमाल मैं करूँगा. और एकदम आखिर में टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करूँगा ब्लेंडिंग के लिए. टिश्यू पेपर से हम बहुत ही स्मूथली ब्लेंड कर सकते हैं, तो इसका इस्तेमाल करूँगा. और एकदम आखिर में एक खाली पेन लेंगे. इससे क्या करेंगे, जो हेयर वाला पोर्शन है मतलब डिटेलिंग हम यहाँ पर करेंगे. किस तरह से करेंगे आपको पता चल जाएगा बाद में. बस इतना सा ही सामान से हम पूरा रियलिस्टिक शेडिंग करेंगे. तो वीडियो को अच्छे से देखो और वीडियो अगर अच्छा लगे और नॉलेजेबल लगे सब्सक्राइब जरूर कर देना. मैं हमेशा इस तरह का वीडियो अपलोड करता हूँ. तो बढ़ते हम ड्राइंग की तरफ. सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो आई वाला हिस्सा है वहाँ पर दिखने के लिए कुछ नहीं है, मतलब लो रेफरेंस फोटो है, पूरा डार्क है. तो इसलिए यहाँ पर मैं डायरेक्ट चारकोल पेंसिल का अप्लाई कर रहा हूँ. चारकोल बहुत ही डार्क होता है, तो मैं आपको बोलूँगा कि आप चारकोल का ही इस्तेमाल करो. जो ग्रेफाइट पेंसिल है उससे भी आप कर सकते हैं, लेकिन ग्रेफाइट में क्या होगा, आपको पूरा डार्क नहीं मिलेगा जिस तरह से हम चारकोल पर हमको मिलता है. चारकोल पर एक ही बार में हमको पूरा डार्क मिल जाता है, लेकिन ग्रेफाइट पे क्या होगा, आपको लेयर बनाना पड़ेगा, दो या तीन लेयर बनाना पड़ेगा, फिर भी इस तरह से एकदम पूरा डार्क नहीं मिलेगा. तो इससे बेहतर है कि आप चारकोल का ही इस्तेमाल करो. अब मैं इसको थोड़ा सा ब्लेंडिंग करूंगा एक ब्लेंडिंग स्टम्प से. उसके बाद यहाँ पर मैं एक 4B पेंसिल की मदद से थोड़ा सा लाइट करके शेडिंग करूँगा, जो कि एक बेस लेयर है, फाइनल लेयर नहीं है, बेस लेयर है. इसके ऊपर हम फिर से बनाएंगे, तो इसलिए थोड़ा सा हल्के हाथों से लाइट ग्रेड का पेंसिल 4B ले रहा हूँ, उसी से इसको शेडिंग करूँगा. तो आपको अच्छे से देखना पड़ेगा, जो रेफरेंस फोटो है उसको आप देखो, ऑब्जर्व करो किस तरह से होगा, कहाँ पर डार्क होगा, कहाँ पर लाइट होगा, आपको अच्छे से ऑब्जर्व करना पड़ेगा. मैं अच्छे से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, उसी के हिसाब से यहाँ पर मैं शेडिंग कर रहा हूँ. ज़्यादा डार्क नहीं करूँगा क्योंकि ये बेस लेयर है, तो एकदम हल्के हाथों से एक बेस लेयर बनाऊँगा. उसके बाद मेकअप ब्रश से इसको ब्लेंड करूँगा. तो बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है. और आप ऐसा मत सोचना कि जो पेंसिल है उसको मतलब अगर एक्सपेंसिव पेंसिल होगा, स्टेडलर वगैरह, तो ड्राइंग अच्छा होगा. जो कि चीप वाला पेंसिल होता है, आर्टलाइन, कैमलिन, उससे ड्राइंग ख़राब होता है, ऐसा आप बिल्कुल मत समझना. क्योंकि एक बहुत ही जो चीप वाला पेंसिल है उससे भी हम बेहतरीन ड्राइंग बना सकते हैं. अगर नहीं देखे, मैंने बहुत सारे वीडियो बना चुका हूँ बहुत ही चीप पेंसिल से. आर्टलाइन जो कि है 50 पर ही मिल जाता है, उसी से मैंने काफ़ी सारा ड्राइंग बनाया. अगर नहीं देखे चैनल पर जाके देख लेना, बहुत सारा वीडियो है. तो पेंसिल मतलब वो नहीं करता है, क्या बोलते हैं, पेंसिल डिपेंड नहीं करता है कि एक बहुत बेहतरीन ड्राइंग करने के लिए एक्सपेंसिव पेंसिल चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है. चीप वाला पेंसिल से भी हम अच्छा खासा ड्राइंग बना लेते हैं. आईब्रोज़ के लिए भी मैं चारकोल का ही इस्तेमाल करूँगा, क्योंकि ये पूरा डार्क है, तो जितना भी डार्क पोर्शन होगा, हेयर होगा, जो कि उसके बाद आईब्रोज़, सभी पर मैं चारकोल का ही इस्तेमाल करूँगा. जब ये कंप्लीट होता है उसके बाद मैं हाईलाइट बनाऊँगा. हाईलाइट के लिए मैं पेंसिल इरेजर का इस्तेमाल करूँगा. यह है एक पेंसिल इरेजर. अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, जो नॉर्मल इरेजर मिलता है उसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं. पहला आँख हमारा कंप्लीट हो गया. उसी तरह से हम जो दूसरा वाला आँख है, सेम मेथड है जिस तरह से हमने पहले वाले किया था, यहाँ पर भी हम सेम मेथड अप्लाई करेंगे और इसको पूरा शेड करेंगे. दोनों आँख का शेडिंग हमने कंप्लीट कर लिए हैं. अब हम 4A पर शेडिंग करेंगे. 4A पर शेडिंग करने के लिए 2B पेंसिल का इस्तेमाल करूँगा, क्योंकि ज़्यादा यहाँ पर डार्क वैल्यू नहीं है, तो इसलिए लाइट वैल्यू के लिए 2B पेंसिल से ही हम शेड करके ब्लेंड करेंगे.
उसके बाद एक ब्लेंडिंग स्टम्प से जो रिंकल वगैरह है उसको बनाऊंगा, और जो पेंसिल इरेजर है इरेज करके जो स्किन टेक्चर है उसको यहाँ पर बनाऊंगा। अभी हम नोज़ पर शेडिंग करेंगे, तो इसके लिए 2B पेंसिल से मैं एक बेस लेयर पहले बनाऊंगा, उसके बाद इसको ब्लेंड करूंगा, उसके बाद फिर से यहाँ पर थोड़ा सा डार्क वैल्यू ऐड करूंगा। 2B पेंसिल से ज़्यादा डार्क नहीं है तो इसलिए 4B 6B का इस्तेमाल नहीं करूंगा, 2B पेंसिल से डार्क वैल्यू और लाइट वैल्यू को मैं यहाँ पर बनाऊंगा। और नोज़ का जो टेक्चर होता है स्किन टेक्चर उसके लिए क्या करूँगा, ब्लेंडिंग स्टम्प से थोड़ा सा इस तरह से काला काला धब्बा बनाऊंगा और इरेजर से इरेज करके थोड़ा सा स्किन टेक्चर बनाने की कोशिश करूँगा। तो बस इसी तरह से जो नोज़ वाला हिस्सा है हम शेडिंग करेंगे, आई वाला हिस्सा और नोज़ वाला हिस्सा हमने यहाँ पर पूरा कंप्लीट कर लिए हैं। तो बस आज का जो वीडियो है यहाँ पर मैं इसको एंड करूँगा, तब तक के लिए आप यहाँ तक ड्रॉ कर दो, उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा जो बाकी का पोर्शन है लीव्स वाला हिस्सा हेयर वहाँ पर मैं किस तरह से शेडिंग करेंगे मैं आपको दिखाऊंगा। तो बस आज के इस वीडियो के लिए इतना ही, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।